क्वेश्चन है, फॉर रजिस्टर आर एंड कैपेसिटेंस सी इन सीरीज इम्पीडेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है। एक बार आर और सी सीरीज में, एक बार आर और सी पैरेलल में, आज ही हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, इसकी इम्पीडेंस जो आएगी, इसकी जो इम्पीडेंस आएगी अलग अलग आएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी इम्पीडेंस ट्वाइस आएगी इससे, तो बताओ ओमेगा क्या होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी इम्पीडेंस लिख लें, जब ये सीरीज़ में है तो ये इम्पीडेंस है, सीरीज़ में ये इम्पीडेंस होती है, पैरेलल में ये इम्पीडेंस होती है, चेक कर लो। आज मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एल सी आर पैरेलल में, एल तो है ही नहीं, तो 1/Z² इज 1/R² प्लस 1/XC², यही फॉर्मूला लिखवाया था। स्क्वेयरिंग, इसको सॉल्व करके स्क्वेयरिंग करके या जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करके जेड ऑफ पी निकाल लें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इम्पीडेंस आ गई, सीरीज कॉम्बिनेशन की इम्पीडेंस आ गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज की इम्पीडेंस ट्वाइस पैरेलल की इम्पीडेंस है, तो सीरीज की इम्पीडेंस पुट कर दें, पैरेलल की इम्पीडेंस पुट कर दें, और ओमेगा की वैल्यू अभी सॉल्व मत कर देना, सॉल्व करोगे फंस जाओगे मेरी तरह से, मत करना, हिट एंड ट्रायल। आपको ए बी सी डी ऑप्शंस की बनूंगी, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC, तो तुम इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह पुट कर देना ए ऑप्शन, सेटिस्फाई हो गया तो आंसर है, नहीं हुआ तो भी ऑप्शन, सॉल्व थोड़ा करोगे। जैसे ये देखो, ये सॉल्व करके तो बहुत बड़ा है, ऐसे कर लो, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC को मैंने दोनों तरफ पुट किया, सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन, लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, तो मेरा आंसर क्या मार्क होगा, 1/RC आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, इस क्वेश्चन का। तो इम्पीडेंस की प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल में कैसी कॉम्पिटिशन पूछी जाती है, समझ में आ रहा है यहाँ तक?